और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के स्टेज से रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। जेल से बाहर आने के बाद रामपुर में एसपी कारकुनान से खिताब कर रहे थे और इसी दौरान अपने वालिद की तबीयत का हाल बताने के दौरान वो जज्बाती हो गए। अपने दर्द का इजहार करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इतना बुरा दिन उन्होंने कभी नहीं देखे और हर दिन ये खतरा था कि कल की सुबह वो देख पाएंगे या नहीं। मैंने बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत सी रातें ऐसी आई जब ऐसा लगा कि आने वाला सवेरा देखने के काबिल नहीं बचे। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ। तो बेहोशी की हालत में थी, अब उसे कहा बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता,